सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. Dr. Fahmida Mirza Sahiba, Wifaqi Wazir Baraye Bain Subai Rabta, Sabiq Speaker, Qaumi Assembly. साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और वफाकी वजीर बराए बैनुस्सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा आज पहली दफ़ा किसी भी टेलीविजन के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर साहिबा आप तशरीफ़ लाई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, मोटरवे गैंग रेप विक्टिम के हवाले से, बल्कि सर्वाइवर हैं उनके हवाले से होगा, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, हर वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स, और उन्होंने कहा है कि शूट मी डेड एंड डोंट टेल एनीवन। आप केस के ऊपर इनिशियल रिमार्क्स प्लीज़। बस जी, बहुत ही एक तकलीफ दे बात, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ये ऐसा वाक्या है कि दिल दहला दिया है, सबका दिल दहला दिया है, और जितना भी इसको कंडेम किया जाए तो वो कम होगा। इस कदर गुस्सा मैं देख रही हूँ कि हम मतलब हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि अगर जिसका बस चले तो वो जाके उन शख्स के वो ज़ालिम दरिंदों को मतलब एक अगर छोड़ दिया जाए तो मैं समझती हूँ इस वक्त पब्लिक ही उनको नहीं छोड़ेगी, कि इस तरह ओवरऑल एक वो आया है। और ये नहीं है कि सिर्फ ख्वातीन, मैं समझती हूँ कि हर वो शख्स जिसके जो दिल रखता है या जिसके पास कोई एहसास है वो इसको न सिर्फ कंडेम करता है पर एक भरपूर ऐसी सज़ा देखना चाहता है कि जिसको एग्ज़ाम्पल बनाया जाए। किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? कवानीन तो हमारे पास मौजूद हैं और कवानीन की कमी नहीं है हमारे मुल्क, 26,000 से ज़ायद कवानीन है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा जी? कब इम्प्लीमेंट होगी अगर कोई सज़ा हो जाती, जैसे सानिया साहिवाल का मामला था, इसके अलावा और बहुत बड़े वाक़यात थे जो सानहात में बदले लेकिन सज़ाएं नहीं मिली, और यही अलमिया है इस मुल्क जी। अगर ये हो जाता तो शायद जराइम इस हद तक ना बढ़ते, यू टेक प्लीज जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये कोई ऐसे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होती तो ना पढ़ते। ये गया था बिल स्टैंडिंग कमेटी में, आया भी था, और एचआर की ह्यूमन राइट्स कमेटी में आया भी था, और वहाँ पे फिर हम एक इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से कि वो जो हैंगिंग, पब्लिक हैंगिंग, और उसके ऊपर वो होता है, पर बहरहाल फिर तो पार्लियामेंट ने भी इसके ऊपर कहा कि नहीं, और काफ़ी मिनिस्टर्स का भी इस पर व्यू यही है कि होनी चाहिए एक दफ़ा एग्ज़ाम्पल। बट न सिर्फ वो होना चाहिए कि कोई एक सख्त सज़ा दी जाए, पर अपने एक ओवरऑल, क्योंकि जिस तरह ये छूट जाते हैं जेलों से, ये भी बहुत बड़ा, तो एक वो जो जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक पूरे सिस्टम्स और ये लॉ के जो भी वीकनेसेस हैं, कि इस पर बैठ के यकीनन हम सब पार्लियामेंटेरियंस को देखना चाहिए कि न सिर्फ लेजिस्लेट करें बट हुकूमतों को पाबंद करें कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट भी कराई जाए। आए दिन ये सिर्फ ये एक वाक्य तो एक बहुत ही बड़ा, मैं समझती हूँ बहुत ही शॉकिंग एक चीज़ थी है, लेकिन आप अगर देखें कि किस तरह ये ट्रेंड बढ़ गया, हर सूबे में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हर जगह इस तरह। अगला सवाल मेरा आपसे यही था, वो ये कि क्या ये वाक़यात वाकई तादाद में बढ़ गए हैं जो हो रहे हैं, या फिर रिपोर्ट पहले नहीं होते थे, अब रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हुए हैं? आप तो क्योंकि ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिशियन हैं, आप असेंबली में बैठी, स्पीकर कौमी असेंबली, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असेंबली, तो आपको तो ज़्यादा पता होगा कि क्या वाकई इस तरह के वाक़यात होते रहते थे या अब ज़्यादा हो गए हैं ये तादाद? देखिए, यकीनन रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है वाक़यात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि एक ओवरऑल जो आप अगर लोगों में एक बेहिसी का जो आ गया है, और अगर आप इस तरह एक फ्रस्ट्रेशन और एक अजीब किस्म का एक जो ये एक में हम देख रहे हैं, एक नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन और एक क्रिमिनलाइजेशन जो एक सोसाइटी मुजरमाना होती जा रही
है कि वो बड़ा एक अफसोसनाक सूरत हाल हमारी बनती जा रही है। और इसमें एज अ स्पीकर जब मैंने विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस बनाया था उसका पर्पज़ ही ये था कि उस वक्त हमें जो सुनने में आते थे उस वक्त वो बड़ी तादाद लगती थी, अब जैसे वक्त गुजर रहा है तो एवरी डे का एक नॉर्म बन गया है कि किसी ना किसी सूबे से ये आता है और जहाँ गुर्बत ज़्यादा हो जहाँ वो वहाँ कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। लेकिन ये तो ऑफिशियल जो भी फिगर्स हैं, लेकिन अनऑफिशियली इससे ज़्यादा हो रहा है। और इसमें जब मैंने ये कॉकस बनाया था तो उस वक्त पहली दफ़ा था कि पार्लियामेंट में कोई ख़वातीन के हवाले से कोई बात कर सक रहा था और उसके हवाले से लेजिस्लेशन हुई। उससे पहले तो कोई असेंबलियों में से लेजिस्लेशन ऐसे समझा जाता था कि इस मुद्दे पर बात भी नहीं करते थे जी, और ना ख्वातीन के हवाले से कोई लेजिस्लेशन करने को तैयार थे। तो जिस वक्त ये विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस बना और उन्होंने बैठ के एक कंसेंसस हमने डेवलप की सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और उस वक्त का रिकॉर्ड है कि फ़र्स्ट टाइम हमने कोई मोर देन डजन बिल्स पास किए और एक लेजिस्लेशन आई और उसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन की बात थी। और क्योंकि ये अब सब्जेक्ट सूबाई एक वो हो जाता है तो हर सूबे को पाबंद, और सूबों ने भी इस पर बड़ी लेजिस्लेशन की हुई है लेकिन इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आती। डॉक्टर साहब, अब जब किसी मुआशरे में किसी सोसाइटी में किसी शहर का कोतवाल यानी कोतवाल आलाए शहर ये कहना शुरू कर दे कि ख्वातीन अगर रात में अकेले निकलेंगी तो इस तरह के वाकयात तो होंगे, तो ये विक्टिम शेमिंग या सर्वाइवर शेमिंग की मेंटालिटी है, क्या ये उस गैंग रेप माइंडसेट से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए? देखिए, यकीनन एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और इस तरह की जुमले, और जब ऐसे वाक़यात हो जाएं तब बहुत ज़्यादा एक लोगों को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो उस वक्त विक्टिम उनके ख़ानदान एक ओवरऑल सोसाइटी में तो क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना, आई थिंक हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट आया। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बात ख़त्म हो गई, पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो रिस्पॉन्सिबल जो लेजिस्लेटर हैं वो जो लेजिस्लेट करें, मोटरवे पे जो मौजूद नहीं है वो वहाँ मौजूद रहे, या देखें ये मामला सब मोटरवेज का नहीं है, जो घरों में ख्वातीन बेचारी अकेली रहती हैं उनके साथ हो रहा है। गाँव में आप जाके देखें हर उसमें कोई जगह इस वक्त ये नहीं आप कह सकते। मोटरवे तो इसलिए भी सरप्राइजिंग था कि वरना एक शहर से निकल के अगर जा रही हैं और कोई सोच नहीं सकता था कि मोटरवे पर इस तरह पर। बहरहाल इसके लिए पंजाब हुकूमत अपनी एक रिपोर्ट भी बना रही है, तीन दिन में पब्लिश है, हमें देखना है कि वो क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। और पूरे उनके आपके चैनल के जरिए भी मैं कहता हूँ कि हम सब की नजरें उस डिसीशन पे है, उस इन्वेस्टिगेशन पे है, और हम सब देखना चाहते हैं कि न सिर्फ मुजरिम पकड़े जाएं पर उनको सजा भी मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में कुछ चेमगोइयां खासतौर पर मिनिस्टर्स में, वफाक के मिनिस्टर्स में भी हो रही हैं कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, खासतौर पर अली मोहम्मद खान साहब हैं, या इसके अलावा फैसल वावडा साहब हैं, या दीगर दो तीन और मिनिस्टर्स भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। आप इस हक में हैं कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, कम से कम सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, जो सज़ा है जो आपका कानून मौजूद है वो सज़ा तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब बात वही है कि जैसा बिल आते हैं जैसे लेजिस्लेशन आते हैं यकीनन आप उससे बाहर तो कहना मुश्किल होता है, हालांकि अगर दिल की गहराइयों से सुनेंगे या वो होता है कि जब इस वक्त गुस्से के भी उसमें सबके अंदर एक वो है तो दिल तो ये चाहता है कि सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त तरीन, और एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए। लेकिन आपके जब एक एक्ट बन जाते हैं तो फिर ये आपको उस एक्ट के अंदर वो करना होता है, तो इसको ज़रूर दोबारा देखना चाहिए। और अगर जो भी ऐसे वाक़यात हों कि उसके लिए कि ऐसी पनिशमेंट हो कि आने वालों को दूसरों को कोई खौफ और डर पैदा हो। राइट, अच्छा अब नेशनल पॉलिटिक्स से पहले हम ज़रा SDGs की बात कर लेते हैं। आप एक कमेटी में बैठी थी और वज़ीर दिफा उसकी सरबराही कर रहे थे, हमें अंदर की खबर है और अंदर की खबर एक जर्नलिस्ट को पता ना हो तो फिर किसको पता होगी, आप वहाँ से वॉकआउट कर गई जी, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल मेरी खबर पक्की है ना जी। वॉकआउट करके क्यों वॉकआउट किया आपने वहाँ से? इस पे भी वही मुझे एक शेर याद आ गया प्लीज़ कि बेहिसी शर्त है जीने के लिए
और हमको एहसास की बीमारी है। क्या बात है। देखिए ये एहसास अंदरून सिंध के वासियों के लिए। जी बिल्कुल। नहीं, जो भी वैसे तो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, लेकिन यकीनन जहाँ मेरा घर है, जो सूबा है जो वर्स्ट अफेक्टेड है इस वक्त, एंड देखें SDG जो है कि इट इज़ जो उसका मेन वो है कि लीविंग नो वन बिहाइंड, और आपको एक डेवलपमेंट फॉर ऑल की वो है। तो उसमें अगर एक एरिया पीछे रह जाए और एक एरिया के अगर डेवलपमेंट फंड्स रिलीज ना हो रहे हों या डिले हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, चाहे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर है या किसी लेवल पे, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो यकीनन के वो गोसाबाज भी है, आप उस इलाके से हैं जाहिर है। और देखिए हमने यही अगर पिछली हुकूमत के साथ या जो भी मेरे इख्तलाफ थे वो इसी पे थे, और यही मेरा था कि कोई इक्तदार का उस वक्त भी ना वो थी, जंग थी या ना कोई एक डिफरेंसेस थे, और एक एक असूली तौर पर एक वो बेहिसी का सारा वो था कि जिस पे एक तकलीफ हुई थी। और अगर इस वक्त भी मुझे उस तरह में देखना चाहती हूँ कि अगर ये सब चीज़ें अगर उस तरह नहीं होंगी या उस तरह नहीं होगा तो मैं अपनी आवाज़ तो ज़रूर उठाऊँगी। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। डिले कहाँ से है मैम? ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे डिले है या आपकी कमेटी यहाँ से साइन नहीं कर रही चीज़ों को, असल मामला है कहाँ? नहीं, यहाँ तो देखें ये तो सिर्फ एक अप्रूव करते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी तो इम्पोर्टेंट जी हैं ना? नहीं वो हुई थी, फिर वो कैबिनेट के पास एक लेंथी एक प्रोसीजर हो जाता है, और फिर वो एक डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री से जी फिर वापस आ रहे हैं। ये जो एक टिपिकल वो होता है कि इसको कोई ईजी तरीक़ेकार बनाना चाहिए था, तो वो था कि वो डेवलपमेंट फंड्स जो खास चंद MNAs के थे, उसमें इस्लामाबाद के भी थे, उसमें रूरल सिंध के भी थे, तो वो बड़ी एक मेरे लिए, और मैंने वही उनसे कहा कि मैं किसी तरह भी इस पर कॉम्प्रोमाइज, और मैं अब डिले ख़ास तौर पर जब मैं रूरल सिंध की हालत देखती हूँ इस वक्त फ्लड के बाद, जो वहाँ एक कयामत का मंजर है, मतलब एक मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं 2011 में। मैं था उधर, आप थी, मिर्जा साहब थे, हसनैन मिर्जा थे, आपकी साहबजादी वहां, आप सारे कैंप्स में, और बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरा। वो इलाका है ऐसा कि डूब जाता है मुसलसल जी। और देखें ना, वो आप तो 2011 की बात करें, ये 2020 हो गया जी, मतलब उस वक्त से कोई सबक सीखे, हमारी कोई बेहतरी, कुछ अरेंजमेंट्स, किसी तरह के कुछ इकदाम उठाने चाहिए थे जो कि नहीं उठाए गए हैं, और आज उससे कहीं गुना ज्यादा बदतर है। लोग गुर्बत की उस सतह पे आ गए हैं कि देख के एक मुझे तो ये होता है कि खुद ये फीलिंग आती है कि हुक्मरान नहीं, उनका मदावा करने के लिए कैसे नींद। बिलावल भुट्टो साहब गए हैं वहाँ उनका मदावा करने के लिए जी। मैं तो बहुत ही, मुझे एक नाउमीदी है, मायूसी है और बहुत तकलीफ है, इसलिए कि ये मजाक उड़ाना है। आप इतने बड़े एक मोटरकेड के साथ आते हैं जिससे पहले कर्फ्यू नमा पूरे शहर में कर दिया जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, सड़कों एक न्यू रातों रात टेंट सिटीज़ बन जाते हैं। वो लोग जो अब तक टेंटों से महरूम थे, वो लोग जिनके लिए हम चीख रहे हैं और हर लेवल पे हमने बात की है, देखिए जिस तक आया तो ये फ्लड्स आ रहे थे या ब्रीचेस पड़ रही थी, दैट वाज द टाइम कि लीडरशिप की प्रेजेंस वहाँ होनी चाहिए थी। मेरे बेटे वहाँ मौजूद थे उस वक्त, बिलावल को आना चाहिए था वहाँ पे, बिलावल साहब को वहाँ पहुँच के और ये देखना चाहिए था कि ये ब्रीच अभी बंद करें, क्योंकि जो जिस तरह लोग डूबे हैं, गांव के गांव डूबे हैं, लोग डिस्प्लेस हुए हैं। फिर अगर आप नहीं आ सकते थे तो आपको वो करना चाहिए था एग्जैक्ट फिगर कि कितने लोग डिस्प्लेस हुए, उनके खाने का क्या इंतज़ाम है, उनकी टेंट्स का क्या इंतज़ाम है, क्यों नहीं किया गया। और आ जाए रातों रात एक टेंट सिटी खड़ी कर दी जाती है जो सुबह तक खाली है, टेक नोटिस ऑफ इट। और ये जो पास्ट की अगर ये रवैये रहे तो मेरी तो आखिरी उम्मीद, मतलब इन लोगों से वो हो जाएगा कि आपके जो पुरानी पास्ट पॉलिसीज थी, जो पुरानी एक बेहिसी थी, अगर उसी ने कंटिन्यू करना है तो मैं तो समझती हूँ कि एक सिंध सूबा तो यतीम है।
इस वक्त और किसी का फोकस नहीं। यही हाल कराची का है, सिर्फ बदीन की हालत नहीं है या ठट्ठा की ये हालत नहीं है, ये सिचुएशन कराची के अंदर भी है। बिल्कुल है, मैं पूरे सिंध की बात कर रही हूँ और रूरल सिंध की इसलिए कर रही हूँ कि बहरहाल एक मीडिया की आंख भी वहाँ जाती है क्योंकि एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, मेन स्ट्रीम जो भी ये मीडिया चैनल्स हैं वो वहाँ बैठे होते हैं, तो कोई कमी पेशी होती है तो एटलीस्ट वो चैनल्स पे जाके वो दिखा रहे होते हैं, बताते हैं, तो हुकूमत का फोकस आता है। यहाँ तो मुझे तकलीफ ये है कि कोई मीडिया चैनल भी नहीं जाके दिखा रहे होते हैं किस हालात में रोक गए कि भाई मीडिया जाए दिखाए कि ये सब सूरत है। हुकूमतों को आप तो वो एक एक वॉच है कि आप उनको पाबंद करें कि वहाँ पहुँचना चाहिए, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और उनको बल्कि प्राइम मिनिस्टर को पहुँचना चाहिए ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे हो सकता है कोई ज़ाती अब राइवलरी हो जिसकी वजह से उस बदीन की तरफ ना आना चाहते हो, खासतौर पे जो रिस्पॉन्सिबल्स ऑफ सिंध हैं। देखिए मैं तो इससे बहुत ऊपर हूँ और मैंने अगर कभी भी बात की मेरी ज़मीनों पे वो भी हुआ तो तब भी मैं लोगों की बात। मैडम आपकी इजाज़त से एक मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, बहुत दिनों ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध पैकेज या कराची पैकेज इसके ऊपर बात करना बनती है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कौन इंश्योर करेगा, ये वो सवालात हैं जो पूछना बनते हैं। और सिंध पैकेज यानी कराची पैकेज के अंदर या सिंध पैकेज के अंदर अंदरून सिंध के वासियों का हिस्सा कितना है, चाहे वो बदीन है, ठट्टा है, लड़काना है, व्हाटएवर, उनका हिस्सा कितना है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, पहली दफ़ा किसी स्टूडियोज़ के अंदर और आप वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इतनी तकलीफ़ उठाकर सीढ़ियाँ चढ़कर तशरीफ़ लाएँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल था। एनी हाउ कराची पैकेज या सिंध पैकेज, इसकी ट्रांसपेरेंसी कौन इंश्योर करेगा, कौन इंश्योर करेगा पैसे सही जगह पर लग रहे हैं, जब ये तहफ़ुज़ात हैं कि सिंध सही जगह पैसे नहीं लगाता, फिर सिंध को 1100 अरब रुपये का पैकेज भी दे दिया जाता है, और फिर ये पैसा आएगा कहाँ से और दिया कैसे जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ऑडिटिंग कैसे होगी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एक्चुअली। आप तो खैर इस पर विफाक के अंदर हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं प्लीज़। देखिए सबसे पहले तो ये जो कमेटी बनाई है विच आई थिंक अच्छी बात है कि प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट बैठ के वो करें, खुशाइन बात है। और लेकिन जब आप प्रोविंशियल कमेटी बना रहे हैं उसमें आप कोई नुमाइंदगी नहीं है रूरल सिंध की, उसमें आप सिर्फ एक कराची की हद तक महदूद कर दें और वो भी कराची में हम सबके स्टेट्स हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसी कमेटी बने कि जिसमें सबके एक एक प्रॉपर नुमाइंदगी भी हो जिस कमेटी में, और वो ये देखें इंश्योर करें कि पूरे सिंध के लेवल पे कैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। राइट, मुझे खुशी हुई कि इतना बड़ा पैकेज आया, अच्छी बात है। और यकीनन ये जो इस वक्त तक चल रहा था, क्योंकि एक सूबाई हुकूमत हर चीज़ में एक बीच में रुकावट आ जाती है कि हमें पैसे दे दें हम कर लेंगे, और वो जाहिर है कि जो कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है 12 साल की तो वो एक डाउट तो रहता है, धड़का लगा रहता है कि पैसा सही जगह लगेगा या नहीं लगेगा। धड़का नहीं, ये तो खुली एक आम एस्टैब्लिश है ना, सामने एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं। अब तो 12 साल पैसा खाया जाता है, कौन सी चीज रह गई है आपके। देखें अभी बल्कि एक किसी उसमें मैं देख रही थी कि इनकी अपनी सूबे की मॉनिटरिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि 1002 प्रोजेक्ट्स में से कोई 495 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नाकारा हैं, जो प्रॉपर उसके अंदर कुछ तो सिर्फ कागजों के हद तक दिखा रहे हैं जो कि नहीं है सरजम मौजूद, बट प्रोजेक्ट्स है, घोस्ट प्रोजेक्ट्स है, बिल्कुल वो है। तो इस तरह के अगर आपके 490 और आप उसकी जरा एडीपी जो मेरे ख्याल में 250 अरब रुपया था जिसके थी, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के थे, ड्रेनेज के थे, सीवरेज के थे और बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के थे, और बेनज़ीर आबाद टाउन सोसाइटी जो एक तो ये बड़ी मेरे लिए तकलीफ दे बात हो जाती है कि आप शहीदों के नाम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं और उसी में सबसे ज़्यादा करप्शन कर देते हैं, या तो उनके नाम ना रखें और अगर उनके नाम रखते हैं तो कम अज़ कम ये तो इंश्योर करें कि कल को वो ज़मीन पर ही ना गिरे हुए हों।
तो उनका नाम ही ना खराब हो जाए ना इस बात, मतलब एक एक तरफ आप शहीद कह रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप उनको वहाँ भी जीने नहीं दे रहे हैं कि इतनी तकलीफ के उनके नामों को इस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लॉइटेशन बंद होनी चाहिए और उससे ज़्यादा अवाम की भी एक्सप्लॉइटेशन अब बंद होनी चाहिए। और अब ये कहते रही मेरे लिए, जब वो गांव में जाते हैं जो भी होता है एक स्टेज या जिस तरह भी, गरीब औरतें अगर आप उनके हाथ को अगर पकड़ें, हाथ में पकड़ें, तो मैं कितने दिन तक, मुझे ऐसे होता है कि अल्लाह मियाँ ये तेरी मतलब अल्लाह ताला की मखलूक है, मखलूक है कि जिसका कि इस तरह उनके हाथ काम मिट्टी धूल और उसमें कि उन कांपते हाथों से वो आपके सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, कुछ महसूस होता है, कुछ दिल तक कोई बात जाती है कि ये इतने 12 साल से आपकी हुकूमत रही हो, आप अकाउंटेबल हैं और आप ये कि इनकी ये हालत है आज भी जो हालत में लोग वहाँ पर रह रहे हैं, क्या अपनी कोई, वो तो कहते हैं कि लोग पेरिस से लड़काना में इलाज कराने आते हैं अस्पतालों में। आज ही मैं टीवी पे किसी पे रिपोर्ट देख रही थी कि लाड़काना से हॉस्पिटल से उनकी दवाएं किस तरह चोरी हो रही हैं, और जो नाम पे लिए जाते हैं, जो शायद खाली बिल भरे जाते होंगे और होता होगा, जो एक्चुअली दवाइयाँ वहाँ नहीं पहुँचती। या आज ही कोई मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, इनफैक्ट मुझे पूरा देखने का टाइम नहीं मिला, बट आई एम श्योर कि ये बाद में भी रिपीट होगा, और एक रीजनल किसी उस पर चैनल का था कि दवाएँ हॉस्पिटलों में चोरी हो रही हैं, होती ही नहीं है, फॉरेनर्स चोरी करके गए होंगे। लेकिन बहरहाल आपने बात की प्रोजेक्ट्स की ना, कि अच्छी इकदामात क्या होने चाहिए जी, मैं ये आपको कराची देखें, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो सूबाई हुकूमत पे है, और उनको चाहिए कि इस दफ़ा जो भी इनका बजट है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इतना ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप ये SDGs और ये कैसे करेंगे अगर आप बराबरी की बुनियाद पे नहीं करेंगे, आपकी ये अर्बनाइजेशन जो भी आपकी रूरल में अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं तो आपकी वो सारी के सारे माइग्रेट करके अर्बन में आते हैं, फिर इस तरह स्लम्स बनते हैं, और जो कि आप वहाँ पर बगैर किसी एमिनिटीज़ के बगैर आप वहाँ पर आबादियाँ आबाद हो जाती हैं, तो किस तरह आप रोक सकते हैं? अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में ना प्रॉपर स्कूल हो, ना प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हो, ना कोई हो, और फिर मुझ पे शर्त ये डाली जाए कि आपको मेरिट पे नौकरी मिलेगी, आपको मेरिट पे ये मिलेगा, तो कैसे मेरिट आएगा? तो ज़रूरी है कि आपकी एक पॉलिसी, एक प्लानिंग के लेवल पे फुकदान है, और वो उनको चाहिए सूबे को कि पहले तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो और उसके साथ साथ के पूरी आपकी करें। अच्छा, एक ज़िमनी सा सवाल है मैडम, जब आप लोग आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उस वक्त भी बदीन के हवाले से या ठट्टा के हवाले से सिंध का यही रवैया था जो अब है, या अब ज़्यादा आपको बदतर देखने को मिल रहा है? सिंध बड़ा बदकिस्मत प्रोविंस है, मैं तो यही कह सकती हूँ, लीडर्स भी इतने बड़े आते हैं, इतना टैलेंट, इतना सब कुछ वहाँ पे, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कभी भी उस तरीके से जमहूरियत या डेमोक्रेसी ने काम नहीं किया, और इस वक्त जो सबसे बुरा हाल था, क्योंकि हर दफ़ा ये आ जाती थी कि कंटिन्यूटी चाहिए, भाई 2.5 साल में हुकूमत चली गई और 2 साल में चली गई, जो बीबी के साथ भी हुआ, और लेकिन अब तो आपको 12 साल मिल गए थे, अब कौन सी जस्टिफिकेशन आपके पास थी? देखिए, मैंने मुश्किल वक्तों में मैं पार्टी में थी, जितना मुश्किल वक्त अगर आप उठा के देखें, और शायद अगर मीडिया और उसके नज़र से देखेंगे तो शायद एक मेरी फैमिली उन चंद फैमिलीज में से होगी जो क्लोज हैंड्स आपने किए और जिन्होंने सफ़र किया इनके साथ, जिन्होंने कीमत अदा की। आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ से स्काइल आ गए जी, किसी की 17 इंडस्ट्रियाँ हो गई तो किसी की 18 हो गई, और जिनका मकसद ही कुछ और थे। लेकिन अगर आप उस वक्त, हम अपोजिशन में बैठे थे उस वक्त, मैंने 1997 में मैं पार्लियामेंट में आई, तब भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, उससे पहले डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार थे, उन्होंने, और वो बीबी के जब हुकूमत का टाइम था तो उस टाइम पे पहली दफ़ा बदीन को गैस मिली थी, ये सारा था। लेकिन अगर आप देखें कि उसके बाद 97 में भी मैं अपोजिशन में थी, मुख्तलिफ इस कदर मुश्किल वक्त था वो हमारे लिए कि
हम सिर्फ 16 मेंबर्स थे और हर रोज़ मेरे घर पे रेड कर दी जाती थी। मैं बच्चों के साथ, छोटे मेरे बच्चे थे उस वक्त, और डॉक्टर साहब तो हाइडिंग में हो जाते थे, तो फिर बच्चे एंड कोर्ट एंड एवरीथिंग। बहरहाल उस 2002 में भी यही सूरत हाल रही, तो आवाज़ तो हम उठाते रहे। अब आया था बड़ी मुश्किल से वो टाइम था कि 2008 में इतनी उम्मीदों के साथ, इतने स्ट्रगल, पावरफुल आपको गवर्नमेंट मिली, उस वक्त तो दे सकते थे, फेडरल भी आपकी, प्रोविंशियल भी आपकी, आप टर्न अराउंड कर सकते थे, आप सिंध के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो उस वक्त भी अगर आप देखें कि अगर कोई ज़मीन पे कोई भी अगर आज प्रोजेक्ट है और जिसको अफसोस है उसको छोड़ दिया गया, मैं आपके चैनल के ज़रिए एक मेरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट गुलारची सिटी में लगा हुआ है और जिसके ऊपर पूरा, बल्कि 90% उसका काम हुआ हुआ है, उसको मैं उस दिन से चीख रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा ऑपरेशनल नहीं हुआ था, नहीं क्यों ऑपरेशन। और आप यकीन करें कि जब उसका पहले वो हुआ था तो उसका मिनरल वाटर आज जो आप पीते हैं उससे ज़्यादा क्लीन पानी था। मैंने तो नहीं पानी वो जिद में ऑपरेट नहीं, ऑपरेशनल नहीं होने दिया गया। मैं तो यही समझूंगी किसकी जिद है, किसकी तरफ से ये जिद है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए अगर उस वक्त नेशनल फेडरल फंडेड भी था, आपका काम था, कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, आप अपनी तख्ती लगा लें। और उससे बड़ी बात यह है, क्या वहाँ से मैंने पानी पीना था, क्या यह उस गुलारची के गरीब बच्चों ने पानी पीना था? वो ड्रेनेज की स्कीम थी। अब क्योंकि जाहिर है जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो कोई 4 साल का 3 साल का इस तरह का होता है। ड्रेनेज का भी जो फेज़ 1 की स्टेज थी वो भी नालियाँ खुदी हुई थी, सारा वो खुदा, लेकिन वो भी बीच में रह गए। तो आप अगर सिर्फ दुश्मनी ये आवाम से है, ये मेरे से दुश्मनी की बात जब नहीं है। ये जाते हैं कहीं, कोई इनसे बयान लेता है, नैब पूछता है दिस से कि हमने तो अरबों रुपए रातों रात लगा दिए हैं, तो ये अरबों रुपए कहाँ लगते हैं अगर इस तरह के क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स भी ऑपरेशनल नहीं हो पा रहे। मिनी महल नहीं देखे अभी जो टीवी पे दिखा रहे थे, जिसको एक देखते ही कुछ दिल ख़राब होने लगता है कि जो महल ये बने हुए थे, आज इरिगेशन डिपार्टमेंट की वहाँ हालत है। और मैं ये कहती हूँ कि आज जो ये सैलाब और ये सब आए उन्हीं को पकड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ड्रेनेज में पैसा इसमें खाया गया, जितना इरिगेशन कैनाल्स में पैसा खाया गया है कि आपकी लाइफ लाइन है, क्यों 2011 के बाद LBOD को नहीं ठीक किया गया? एक बड़ा अच्छा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसको लेफ्ट बैंक कुछ इंडस रिवर के साइड जो के एक्चुअली फ्लड कैनाल्स और उसके लिए है, वो 100 बिलियन का था। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, उस पर पेपर्स बने हुए हैं, सब घोस्ट प्रोजेक्ट बन के रह गया। नहीं मतलब उस पर तो काम ही शुरू नहीं हुआ, वो घोस्ट हो गया। किसी ने क्यों नहीं, क्योंकि पैसा तो वहाँ आया नहीं, लेकिन आप सिंपल चीज़ इतनी थी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के कि भाई इतनी सफरिंग, आपकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। और उसके बाद आप उतना, जब आप रिहैबिलिटेशन में जाते हैं तो आप उससे दुगना पैसा खर्च कर रहे होते हैं। अभी अगर LBOD को ठीक कर लिया होता, आपके ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो गए होते, आपके इरिगेशन कैनाल्स में वो होता के उठाने का, तो आज आपके गांव और आपकी इकोनॉमी, आज पूरी बदीन, क्या मीरपुर खास की भी है और भी जो भी लोअर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी आपकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। राइट। वफाकी वजीर बराए बैन सूबाई रबता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब हमारे साथ वेलकम बैक डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने एक बात की और बात बड़ी दिल को गमगीन कर देने वाली थी कि आपने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपने, आपकी फैमिली ने साथ दिया। जी, जी, जी। चलें, मुश्किल हालात थे, आपने साथ दिया, लेकिन अब आने वाले वक्तों में पब्लिक बदीन की या सिंध की ये तवक्को कर सकती है कि आप और पीपल्स पार्टी फिर एक साथ होंगे किसी भी वक्त पर? देखें, इट इज़ सियासत एक अलग वो चीज़ है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे एहसास की बीमारी है, तो अगर उस एहसास को हम वो करें, देखिए सियासत में कोई चीज़ आप नहीं वो कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा खारिज तमकान करार नहीं दिया जा सकता। इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ नॉट अबाउट माय के फैमिली का है, पब्लिक का मामला है। दे हैव टू सी के इशू कहाँ है, इट आवाम है।
इनकी लोग, इनके एम एन एज, इनके इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन में निकल नहीं सकते थे। हार्ड लाइन तो नहीं है ना कि बस अब खत्म तो खत्म। देखिए मैं वही कहती हूँ कि आए मेरा कोई भी ऐसा स्टेप एक्सट्रीम नहीं होता, लेकिन इस वक्त मैं सियासत सोच भी नहीं रही हूँ इस वक्त दो मिनट के लिए। ये तो इंसानी अलमिया है। मैंने ये कहा कि आप जिस तरह ये या और भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या ये इक्तदार के लिए हो रहा था सारा? जो भी अगलों ने अगर इसको बनाया, इट वॉज नॉट दैट। अगर वो नहीं है तो आज भी ये बात नहीं है। अगर कोई अच्छे काम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। एंड बट इस वक्त जो मेरा है कि बिलावल होकर गए हैं और मैं उनको देखना चाहती हूँ, और हाँ उधर होके गए हैं, ये स्टेज्ड सारे प्रोग्राम्स और इस तरीके से। आप जब तकलीफ़ में हैं लोग तो कोई इनका एम एन एम पी ए नहीं निकला, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगी तो ये वहाँ पे इनके सारे एम एन एम पी ए फील्ड में निकले हुए होंगे, सब वो होंगे और ये कर रहे होंगे, डिविजन कर रहे होंगे कि ये इनका शख्स वोटर है, ये इनका वोटर है। ये नहीं होगा, मैं उनसे अपील करती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, वोटर्स का भी तो एक मसला है ना, एक आटे की बोरी पे तो अपने शनाख्ती कार्ड दे देते हैं। देखिए गुर्बत इतनी है, देखिए बात तो वही है ना कि आप पहले इतनी उनको गुर्बत में पहुंचा दें, फिर उनकी मजबूरियां खरीदें। यही होता है, इन्होंने जानबूझ के अगर रूरल सिंध को इतनी गुर्बत में डाला है क्योंकि वो इनकी भूख खरीदते हैं, वो इनकी मजबूरियां खरीदते हैं। लोग अपना क्या कुछ नहीं बेच देते हैं कि अपने एक दो वक्त की रोटी के लिए। तो आप ये बताइए कि वो एहसास कि जब आप पहले उनको वहाँ तक पहुँचाएँ, फिर उनकी मजबूरियाँ खरीदें, इनको चाहिए। क्या मिर्ज़ा साहब जब सिंध के वज़ीर दाखला थे उस वक्त भी वो हैंडी इतने ही हैंडीकैप्ड थे कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ ना कर पाए? नहीं, क्यों नहीं कर पाए, ये कर रहे थे। हमने तो 3 साल में ले ना, देखिए यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आज भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स उठा के देखें, रिकॉर्ड जॉब्स मिली, रिकॉर्ड वहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, जो रस्ते वहाँ के उस जो भी देखें 3 साल जो पॉसिबिलिटी थी, आपकी फंडिंग फिर भी आपकी हुकूमतों के हाथ में होती है। मैं स्पीकर थी तब भी मुझे प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद मेरे कोई अगर प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ज़ाहिर हर एक का तो फोकस अपने हल्कों पर होता है, कभी कोई भी मैंने कहा ना कि कोई प्लानिंग इस तरह नहीं की जाती है जो मुल्क के इंटरेस्ट के लिहाज से क्या होनी चाहिए, किस तरह हमें एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए, ताकि आपके अगर आर्टिकल 37-38 उठा के देख लीजिए, आपका वो अलग है, आपके एसटीजी के अंदर देख लीजिए, जो मदीना की रियासत की बात होती है उसमें देख लीजिए। तो आप तो सबके साथ आपको करना है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। तो उस सूरत में अगर आपने लोगों को यहाँ तक पहुँचाया कि वो एक आटे के लिए लड़ रहे हैं, एक अभी जब बिलावल साहब का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जो भी उनके बांट रहे थे अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने कितने लोग वहाँ से आप खाने के लिए लोग इकट्ठे किए गए, देगे बना के जैसा आपको वो देगे उनकी कैंप्स में उनके घरों पे पहुंचानी चाहिए थी। यूँ नहीं होना चाहिए था कि आप जलसे में आओ तो खाना मिलेगा और फिर उसके बाद कितने मायूस ना उम्मीद लोग लौटे, वो दिखाया कि वो खाली बर्तन उठा उठा के वो देख रहे हैं। ये टीवी पे क्लिप्स चली हैं और आप ये देख लीजिएगा कि आज ये बिला गए तो टेंट्स भी चली गई, वो मेडिकल कैंप्स जो लगाई गई थी पहले, वो शायद मीरपुर में भी यही कुछ हुआ, मीरपुर हुआ, पंजाब में भी कई दफा हमने विटनेस किया पुराने दौर में। अच्छा मैं अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो आपने मुझे बताना है कि एकदम आज क्या हो सकते हैं, दूसरा ये डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब ही से है। अच्छा बिल्कुल इधर, वो टीवी पे इतना नज़र नहीं आ रहे ना, मैं ये कह रहा हूँ। उनको उनको देखते थे ना, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं उनको देख के, और वो कराची में बड़े बड़े लोग उनसे डरे हैं। आई थिंक जिस वक्त डराने का टाइम था उन्होंने डरा दिया और उसके नतायज भी निकले। आज कराची आजकल आपको तो नहीं डरा, कराची में पीस भी है और अमन भी आया है, आज लोग डेवलपमेंट की भी बातें कर रहे हैं, आज इतने अमन अमान। अफसोस तो ये है कि डॉक्टर साहब के उस इकदाम से जो एक्चुअल सफ़र किया वो खुद उन्होंने किया और उनकी फैमिली ने किया, कर रहे हैं, हमने किया, क्योंकि एक जिस तरह के मैंने उसके बाद से या मेरे बच्चों ने टाइम देखा है कि वो शायद उनको ख़ुद को भी एहसास ना हो कि जिस तरह, लेकिन
एज अ मदर और एज के मेरे बच्चों ने जो टाइम देखा वो बहुत मुश्किल. हमने बहुत बड़ी इस मुल्क के लिए, सिंध के लिए, इसके मतलब बका के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है. इसलिए मुझे ये होता है, मुझे अफसोस ये होता है कि फिर जब मैं देखती हूँ कि क्यों फोकस नहीं है कि अभी तक अगर मेरी क्या कुर्बानी हमारी ऐसे ज़ाया जाएगी. और ख़ुद डॉक्टर साहब ने देखें, डराना और वो करना, उस वक्त किसी की उस आवाज़ की ज़रूरत थी और वो उठी और भरपूर तरीके से उठी और नतायज सामने आए. और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि आज लोग डेवलपमेंट भी सोच रहे हैं, लोग सड़कों पे भी निकलने का. आज कराची का ओवरऑल अगर आप माहौल देखें कि ये सब तस्वीर नहीं सोची जा सोचने वाले तो सोचते हैं लेकिन जिनका विजन है वो अपने विजन के हिसाब से कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी हुआ, इसलिए लोग डूब गए, क्या हुआ? मैंने यही कहा, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है. बहुत अच्छी तरह उन्हें भी अंदाज़ा है. अफसोस ये है कि अभी वो जो भी जहाँ भी उनकी डोरें हैं कि उनका वजह से जो भी रोल वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन सिंध की आवाम इस वक्त जो है कि जिस तरह सफ़र कर रही है कि वो बहुत तकलीफ़ दे बात है. और इनको कोई राइट नहीं है कि इस तरह ये उनको अगर उनकी तकलीफ़ों को एड्रेस करें, वरना ये एक सिंध की कौम को ग़ुलाम बना दिया, एक ग़ुलामी वाली उसमें एक आ गए हैं कि आपने चाहे डंडे के ज़ोर पे, चाहे किसी के ज़ोर पे, आपने बस इलेक्शन जीतनी है, क्यों ओहदे चाहिए. तो खुदारा हमने ओहदों को इसीलिए छोड़ा है. कराची पैकेज, सिंध पैकेज, क्या APC के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैनेज करने का एक तरीका है? नहीं, ये तो किसी 20 सितंबर को हो रही है. देखिए, अगेन मैं बात कर रही हूँ कि इट इज़ फॉर द पीपल, ये तो लोगों के लिए. टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन यकीनन, और एक तो मैंने कहा जैसे प्रोविंशियल कमेटी में औरों को भी डालना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं. दूसरा, आप ये डिवाइड ना करें, रूरल अर्बन डिवाइड ना करें. आपको चाहिए था, मेरी फेडरल गवर्नमेंट से ये गिला है कि उनको चाहिए था कि वो पूरा एक सिंध पैकेज लाते, चाहे रूरल एंड अर्बन दोनों मिला के. और मैं हम समझते हैं, देखिए कराची सिंध का कैपिटल है, no doubt. एक हब है, इकोनॉमिक हब है, वहाँ पे आपकी सारी डेवलपमेंट होती है. लेकिन अगर आपने रूरल में, अगर आज मेरे बदीन के बच्चे को स्कूल, आप अगर एक फिगर्स उठा के देखिए एजुकेशन का, इतने इतने पैसे तो जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, उसमें देखें प्राइमरी स्कूल आपको जी 90% प्राइमरी स्कूल इतने खुल गए हैं यूनियन काउंसिल्स, उसमें ये कहेंगे, लेकिन सेकेंडरी नहीं है फिर. और जब एजुकेशन नहीं है, जाहिर है नहीं है, और बच्चियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है. राइट. अच्छा, क्विकली अब एक चीज़, अगर बदीन के किसी बच्ची को पढ़ना हो तो कहाँ जाएगी? कराची है उसके पास. तो फिर आखिर आप ये इस पॉपुलेशन, इसको कैसे वो करेंगे? आपको पहले चाहिए कि पहले आप अर्बन के अंदर देखें कि वहाँ फैसिलिटीज पहुँचाइए, ताकि रूरल के आदमी को जरूर, उनके लिए वो कहते हैं कि परदेश हो गया, वहाँ ना जाना पड़े. अब क्योंकि टाइम कम है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा, ये APC का क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? APC 20 सितंबर को है, आपको लगता है कुछ कर पाएंगे ये लोग? देखिए नहीं, आई थिंक एक तो ये पॉलिटिकल उसमें दो में हर एक को ये सोचना चाहिए कि भाई 5 साल है, अब लेट देम कंप्लीट 5 ईयर्स. जैसे पिछले 2 कंटिन्यूटी जैसे भी थी, अच्छी थी बुरी थी, कोई बहुत मुतमईन नहीं थे, बिल्कुल इत्मीनान बख्श नहीं थी, नहीं थे, लेकिन फिर भी थे. और तभी आज डेमोक्रेसी को पूरा कर रहे थे. जिस मुल्क जिस हालत पे खड़ा है, जिस स्टेज पे खड़ा है, वो बता रहा है कि नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो उससे ये है कि अब ठीक है, तीसरी हुकूमत आई है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, इस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब ना करें, वो भी अपने 5 साल पूरे करें. और ये पॉलिटिकल ठीक है, उनकी है, ये चलते रहे, ये अपनी करते रहेंगे, जितनी अकाउंटेबिलिटी तेज होगी उतनी ये ज़्यादा APCs हो जाएंगी और वो होगा. तो आई डोंट सी एनी थ्रेट इन दिस. ऑलराइट, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, वफाकी वज़ीर बराए बैन-उस-सूबाई राबता, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को जा दीजिएगा. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.